चुनावी साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दो साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समय समय पर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी दरार उभर कर सतह पर आ जाती है। अभी सिंहदेव के भाजपा और आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में बदलाव के ऊपर सवाल उठा दिया है और उसी बहाने पार्टी में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी तंज के तीर छोड़ दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हालिया दिल्ली दौरे के बाद बताया है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव होंगे और ये बदलाव रायपुर में आयोजित कांग्रेस राष्ट्रीय महाधिवेशन के प्रस्ताव के मुताबिक होंगे। बघेल के इस बयान को लेकर लगभग दो साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे उनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कटाक्ष किया है। उन्होंने बघेल पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा है कि इस बार तो कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटें जीत रही है, जब स्थिति इतनी अच्छी है तो फिर बदलाव की क्या जरूरत है। सिंहदेव ने कहा कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, यानी उन्हें यकीन नहीं है कि कांग्रेस इस लक्ष्य के आसपास भी पहुंचेगी। वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम के कार्यकाल को देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए काफी अच्छा रहा है। उनके अध्यक्ष रहते जितने भी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उन सब में पार्टी ने जीत हासिल की है। स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटाया है, तो ऐसे में उनके कार्यकाल को विस्तार मिलना ही चाहिए था। शायद यही बात टीएस सिंहदेव भी कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, संगठन ने इतना अच्छा काम किया है, तो बदलाव की क्या जरूरत है। जरूरत तो तब पड़ती जब पार्टी ने अच्छा काम न किया होता और उसे चुनाव में हार का खौफ होता। वो ढके छुपे अंदाज में ये कहना चाह रहे हैं कि यदि बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब है न तो पार्टी ने अच्छा काम किया है और न ही सरकार ने। यदि संगठन में बदलाव हो रहा है तो सरकार में भी बदलाव होना चाहिए। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। सिंहदेव को इस बात का डर सताने लगा है कि कुर्सी की लड़ाई में तो बघेल ने बाजी मार ली है, अब ऐसा न हो कि उनके समर्थकों के टिकट ही कट जाएं। दरअसल बघेल और सिंहदेव में कुर्सी की लड़ाई में मोहन मरकाम ने तटस्थ रहने का फैसला किया था। यही नहीं, जब बघेल खेमे के विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे तो उन्हें वापस आने का आदेश पार्टी की ओर से मरकाम ने ही दिया था। ये बात बघेल को नागवार गुजरी है। मरकाम को साइड लाइन करने की बघेल की ओर से कई बार इशारे मिल चुके हैं। रायपुर में हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए जो पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाई जा रही थी उनसे मरकाम का नाम और उनकी तस्वीर गायब कर दी गई थी। जबकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, उन पोस्टरों और होर्डिंग्स को बघेल के करीबी नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने लगवाई थी। बाद में जब हंगामा हुआ तो फिर मरकाम की तस्वीर भी लगाई गई, लेकिन टीएस सिंहदेव की तस्वीर उतार ली गई थी। भले ही मरकाम ने खुद को राज्य के दोनों गुटों से अलग रखने की कोशिश की हो, लेकिन उनके कई नजदीकी ऐसे थे जो टीएस सिंहदेव के भी नजदीकी थे। ऐसे में चुनावी वर्ष में बघेल खेमा उन्हें अध्यक्ष पद पर कैसे बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि बीते दिनों में कांग्रेस की किसी भी मंच से यदि सिंहदेव का नाम आता तो बघेल समर्थक उस आवाज को दबा देने की कोशिश करते। ऐसे में कांग्रेस के सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री मरकाम को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। चूंकि मोहन मरकाम आदिवासी हैं, भूपेश बघेल मरकाम को हटाकर चुनावी वर्ष में पहले से नाराज आदिवासियों का गुस्सा नहीं बढ़ा सकते। सर्व आदिवासी पार्टी ने पहले ही से उनकी नींद उड़ा रखी है, इसलिए अध्यक्ष के तौर पर दो आदिवासी नामों पर चर्चा चल रही है। ये नाम है दीपक बैज और अमरजीत भगत। इन दोनों में अमरजीत भगत का नाम सबसे आगे है। अमरजीत भगत भी भूपेश बघेल खेमे के विश्वसनीय नेता हैं। इस संबंध में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि 20 अगस्त 2021 को अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का उद्घाटन होना था। टीएस सिंहदेव ने रिबन काटकर पहले उद्घाटन कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा रिबन लगाकर अमरजीत भगत ने उसी कार्यालय का उद्घाटन किया था। इतना ही नहीं, फिर अंबिकापुर में ही दिसंबर 2021 में पार्टी की छात्र इकाई NSY के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान जो होर्डिंग्स लगाई गई थी उन पर टीएस सिंहदेव की तस्वीर अमरजीत भगत की तस्वीर से छोटी थी, जिसे उनके समर्थकों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने वहां लगे पोस्टरों को फाड़ना शुरू कर दिया। इतने में अमरजीत भगत के समर्थक भी वहां आ गए। बात इतनी बड़ी कि मामले को ठंडा करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। राज्य के दोनों गुटों की सत्ता संघर्ष में पिछले दो वर्षों में कई मौके आए जहां
बात मारपीट तक पहुंच गई थी। बहरहाल जिस बदलाव की बात हो रही है उसे बघेल खेमा दो मकसद पूरा करना चाहता है। पहला ये कि अपने विश्वास पात्र को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए और विरोधी खेमे के लोगों को चुनाव में कम से कम टिकट दिए जाएं। सिंहदेव के बयान में छुपा हुआ कटाक्ष इसी वजह से है। वो समझ गए हैं कि इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके समर्थकों के टिकट काटे जाएंगे। वो ये भी समझ गए हैं कि पार्टी आलाकमान बघेल के सामने उनकी सुनने से रहा, इसलिए समय समय पर ऐसे बयान जारी करते हैं जिसे पार्टी असहज महसूस करने लगती है। लेकिन उनके हालिया बयानों की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और भी बहुत सारे बयान आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।